सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग द सेलेस्टोक। PWN रिपोर्ट करके हमें ये बता रही है कि बॉबी लेस्ली MVP एंड टमीना जैसे सुपरस्टार को WWE अपने इंटरनल रोस्टर से हटा चुकी है। हो सकता है कि इन सुपरस्टार का जब भी WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा, ये लोग WWE को छोड़ के जा सकते हैं। और गाइज, ऑडियंस का डिमांड है कि बॉबी लेस्ली या तो ऑल इलीट रेसलिंग को या TNA को ज्वाइन करने वाले हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो गाइस, शाम वाली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ड्रू मैकइंटायर एंड CM Punk वाली वीडियो में कि कैसे PWN हमें रिपोर्ट करके बता रही है कि WWE अपने इंटरनल रोस्टर से बॉबी लेस्ली MVP एंड टमीना जैसे सुपरस्टार को हटा चुकी है। जब भी इन सुपरस्टार का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा, सिंपली ये लोग WWE को छोड़ के जा सकते हैं। और गाइस, ऐसा ही होने वाला है। और गाइस, उस वाली वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑडियंस का डिमांड है कि इन सारे सुपरस्टार का या तो ऑल इलीट रेसलिंग में या तो TNA में हमें डेब्यू देखने को मिल सकता है। और गाइस, बॉबी लेस्ली MVP एंड टमीना के WWE के कॉन्ट्रैक्ट की अपडेट की बात कर ली जाए तो गाइस, इन सुपरस्टार का हो सकता है कि WWE के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है या तो अगस्त के मंथ में या तो सितंबर के मंथ में खत्म होने वाला है। मिड अगस्त में जो MVP का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा WWE के साथ, और हो सकता है कि जुलाई के मंथ में ही बॉबी लेस्ली का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। यानी कि अगस्त या सितंबर में इन तीनों सुपरस्टार का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है ओवर हो जाएगा। और गाइज, जब ये न्यूज़ निकल के आते हैं तब से गाइज ये रूमर्स निकल के आने लगे कि बॉबी लेस्ली या तो TNA में जा सकते हैं या तो ऑल इलीट रेसलिंग में जा सकते हैं। बॉबी लेस्ली का TNA में हमें एक लास्ट रन देखने को मिल सकता है, काफ़ी रूमर्स निकल के आते हैं। और गाइज, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट को देख रहे हो, PW Insider हमें रिपोर्ट करके ये बता रही है कि हो सकता है कि जब भी बॉबी लेस्ली का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा तो WWE उनको रिलीज नहीं करने वाले हैं। बॉबी लेस्ली एंड MVP ऐसे सुपरस्टार है जो कि WWE के साथ खुद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन में नहीं रहना चाह रहे हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि वो WWE को छोड़ के चले जाएं। तो ऐसे में गाइस, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इन सारे सुपरस्टार का हमें क्या फ्यूचर देखने को मिलता है। लेकिन गाइस, वहीं पे अब बात कर लीजिए बॉबी लेस्ली के सिंपली फ्यूचर के बारे में, तो मेरे ख्याल से गाइस बॉबी लेस्ली में भी ऐसा हो सकता है कि TNA के साथ जा सकते हैं और TNA में उनका डेब्यू हो जाएगा। ऑल इलीट रेसलिंग में डेब्यू को काफ़ी कम चांस है, लेकिन फिर भी गाइस देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि बॉबी लेस्ली का क्या फ्यूचर होता है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।